जय श्री राम। आज मैं और मेरा साथी तीर्थ दर्शन यात्रा में पहुँचे हैं भरतकूप, चित्रकूट का अनुपम स्थान। आइए आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। यह स्थान वही स्थान है जहाँ पर जब भगवान राम वनवास गए, फिर जब भरत जी उनसे मिलने पहुँचे तो सारे तीर्थों का जल लेके पहुँचे और राम जी ने मना कर दिया कि मैं अभी अभिषेक नहीं करवाऊँगा, और वो बन गए। फिर वही तीर्थों का जल जो बचा हुआ था तो अत्रि मुनि के कहने पे सारा तीर्थों का जल इसी कूप पे छोड़ दिया। और फिर जब महाराज आए, भगवान आए वन से, फिर इसी कुएं का जल ले जाके उनका अभिषेक किया गया था। देखिए कितना मनोरम स्थान है। जब भी आप चित्रकूट जाएं, यहाँ पे अवश्य जाएं। इस तीर्थ का, इस कूप का जल पीने से समस्त प्रकार के रोग दोष, आपकी मन की अशांति जो रहती है, सब इसको बहुत अच्छा लगता है। इसका जल पीने के बाद एकदम मन को शांति मिलती है। देखिए कितना अच्छा दृश्य। आप यहाँ देखिए, कूप है, कूप के बगल में हनुमान जी महाराज का भी स्थान है। नया मंदिर निर्माण चल रहा है और सामने मंदिर आप देख ही रहे होंगे। मैं इसको आपको पूरा एक एक यहाँ पर दिखाता हूँ क्या क्या है। देखिए आप, हम चलते हैं मंदिर की ओर और पंडित जी भी मिलेंगे तो उनसे पूछते हैं कि इसका क्या भाव है, आपको ज़रूर बताएंगे। ये हमारे साथ जानकी रमन जड़िए जी भी हैं और साथ में आए हुए हैं, और बहुत अच्छा अति सुंदर स्थान है। देखिए, बोलिए भरतलाल भगवान की जय। ऐसे तीर्थों पे जाने से मन की शांति मिलती है और बहुत अच्छा होता है तीर्थ दर्शन करने से। दर्शन का ही विशेष महत्व। देखिए हनुमान जी का भी सुंदर चित्र, ऐसी मूर्ति, भव्य मूर्ति मिलती नहीं है कहीं दर्शन करने को। जड़िया जी हमसे कह रहे थे कि थोड़ा सा जल पी लें, तो फिर मैं जलपान करने लगा। आइए चारों भाइयों के मंदिर में। हाँ, चारों भाइयों सहित राम जी विराजमान है, तीनों भाइयों सहित। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए मैं आपको पंडित जी से भी कुछ यहाँ का महत्व बतलाता हूँ कि क्या महत्व है। जय श्री राम। आज हम लोग तीर्थ दर्शन यात्रा में आए हैं भरतकूप। आप और हम जानते हैं कि भरतकूप का यहाँ क्या महत्व, थोड़ा सा आप। हाँ, भरत जी भगवान राम जी के राज्याभिषेक के लिए सारे तीर्थों का जल लेकर आए थे। तिलक की पूर्ण सामग्री लेकर आए थे कि जहाँ भगवान मिल जाएंगे उनका तिलक करके वापस ले आएंगे। भगवान की भेंट हुई भरत जी से चित्रकूट में, उन्होंने अपना तिलक करने से मना कर दिया, तो वही सारे तीर्थों का जल तिलक की सामग्री भरत जी ने अति उन्हें किया गया से इस कूप में छोड़े। इसीलिए इसका बहुत महत्व है। ये तार अनाज सिद्ध लोग ने काल वेद नहीं पियो, ये पहले से ही सिद्ध स्थल था। एक बार फिर से ये चौपाई बोल दीजिए। तार अनाद सिद्ध थल एवं लोपे काल विदित नहीं क्यों, इसको किसी को मालूम नहीं था, अत्रि ही को मालूम था। तब भरत कहा तब अति सम सैल समीप सपू राखे तहा तो पावन अनु अनु, ये पर्वत के पास ही वहाँ है, उसमें इस चारे तीर्थों का जल तरह की सामग्री इस कूप में अत्रि ने रखवा दी थी भरत जी से। भगवान जी का नाम लेकर भरत जी वापस आ गए। धन्यवाद। प्रेम स्नेह निमज्जन प्राणी हुई हैं विमल कम मन, इसका जलपान करने से जो इसका जलपान करेगा मन कर्म और वाणी से निर्मल हो गया। यही आपका बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको। भगवान का वनवास काल पूरा हो गया, अयोध्या वापस गए हैं 14 साल के बाद, तो इसी जल से उनका राज्याभिषेक किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी जल का नाम है भरतलाल भगवान की जय। अपन चलते हैं आपको लेके परिक्रमा करते हुए, अब भरतकूप से आगे की ओर निकलते हैं चित्रकूट की। भोलेनाथ भगवान की जय, हर हर शंभु। यहाँ से अब इस यात्रा को एक अलग दिशा देते हैं, एक बार कूप के पुनः दर्शन करिए। और ये अब आपको यहाँ पे जो
बाज़ार लगा हुआ है वो देखिए, यहाँ प्रसाद और यहाँ का जल ले जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं चित्रकूट की ओर। ये देखिए बढ़िया दुकान है, आप आए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। और अब हम लोग तीर्थ दर्शन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आगे निकलते हैं। प्लीज़, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अवश्य देखें। ऐसे ही तीर्थों पे हम जाते रहेंगे, आपको दर्शन कराते रहेंगे। बोलिए भरत लाल भगवान की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामतानाथ महाराज की जय। ये देखिए जड़िए जी गाड़ी लेके आएंगे और उस पर दोनों लोग बैठ के अब आगे की यात्रा करेंगे। बोलिए कामतानाथ महाराज की जय। ये देखिए आ गए। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। अब मिलते हैं फिर चित्रकूट में, आपको दर्शन कराते हैं चित्रकूट में। जय जय श्री राम।